से मेरी माँ का समाचार लाया हूँ, ढण ढण से मेरी माँ का समाचार लाया हूँ। गोल्डन जुबली जम के मनाओ, ऐसा प्यार लाया हूँ। बोल ढण धाम की, ऐसे थोड़ी होगा प्यार की, क्योंकि ये तो हमारे साथ 10 साल बाद क्या होगा ये जानती है। क्या बात, हमें 10 मिनट बाद क्या होगा पता नहीं है। आभास रखना हमेशा इसकी शरण में है तो आने वाले 100 साल की 7 पुश्तों की चिंता मत करना। जब इसकी शरण में हो भूल जाओ सब। ये जो करेगी, जोर से बोलिए, जो करेगी, क्या आवाज आ रही है, जो करेगी, ये जो करेगी क्या करेगी, अच्छा करेगी तो बोलो अच्छा करेगी। ये जो करेगी, मेजर कर लीजिए, मेजर में। हाँ अब ये भजन मेजर में, हाँ अब मेजर में लगाइए, माइनर नहीं चलेगा। अब मेजर प्रॉब्लम, अच्छा पांचवा कर लो, बी फ्लैट कर लो, बी फ्लैट कर लो, चलो इस शुद्ध गा मतलब मेजर, कोमल गा मतलब माइनर, बस फर्क इतना ही है। हाँ हाँ इस भजन को सुनिए, आप लोग दादी भगत हैं, आप भी हैं। अरे मैं मेरी तो बात बाद में करूंगा, क्योंकि आप हो तो मैं हूं। चलिए हम लोग दादी भगत हैं, मैं हर बार मेरी बात बोलूंगा ना तो लोग बोलेंगे खाली आपकी 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 रट्टे लगा। मैं कुछ नहीं रखा रखा है? हम ही बस। हाँ, हम दादी भगत हैं। हमारे पास कोई आता है, हमारी खुशी देखकर पूछता है इतने खुश क्यों हो, आप क्या जवाब देते हो? हम लोग, सच्ची बात ये है, मैं भी यही कहता हूँ, मुझे नहीं पता मेरी दादी जान। नवीन है ना, नवीन चाचा जी, हम लोग सिर्फ एक साइड के दीवाने हैं, बस 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 बस, और होशी नहीं है। एक साधे सब सधे, अरे यहाँ थोड़ी बोला। हाँ ब्रह्मा विष्णु शिव चौदस की रात को इस महारानी का दर्शन करने लालायित रहते, कब पट खुले कब मैं इसके दर्शन करूं। अरे हम कितने बड़े भाग्य है हमारे जो हम उन चरणों में बैठे रहते हैं। मुझसे कोई पूछता है नवीन इतना खुश क्यों, मैंने कहा मुझे नहीं पता भैया मेरी दादी जाने, मुझे नहीं पता मेरी मैया जाने। आप भी कहो ना, हमें नहीं पता मेरी मैया जाने। अगर विडंबना है ना, लोग खुद के दुख से दुखी नहीं है, बाजू वाले के सुख से दुखी है। बहुत बड़ी तकलीफ है हमारे सनातन धर्म में। और आप तो यूपी वाले हो, बड़े भाग्य हैं, शिव को भी सजा दिया, मंदिर रामलला भी विराजमान आप लोग करवा रहे हैं, और अब आगे मथुरा की तैयारी है, वृंदावन भी बन रहा है, आनंदेश्वर भी बन रहा है। अब चिंता किस बात की जब आ गए भगवाधारी है, है? दादी का भी तो रंग लाल है, और ये देखो झंडे का रंग क्या है, भगवा भगवा रंग है झंडे का भी। तो जहां जहां ये लहरेगा वहां वहां मंदिर बनते जाएंगे, कृपा होती जाएगी, है ना। लोग दूसरे के सुख से दुखी हैं, सबको पता है ये सारे ढाननवाड़ी के भगत हैं, खुश रहते हैं तो बोलते हैं मेरी दादी जाने। लेकिन समय है, कर्मों का फल तो मिलता है, तकलीफ भी आती है। सुख अगर हो तो हो सकता है चार लोग पूछने आएंगे सुखी क्यों है, लेकिन दुख होगा ना तो मजा लेने 100 लोग आएंगे, अरे के बात बहुत दादी दादी करा दुखी कहीं हो गया। तो भी आप लोग एक ही जवाब, भाई जी माने को नहीं बेरो मारी दादी जाने, जोर से बोलो मारी दादी जाने। इस भजन के भाव इसी भजन में है, बस इसी लाइन में, मेरी दादी जाने। ईमानदारी की तो बात यही है, उसमें मैं भी शामिल हूं। इतना बड़ा व्यापार है, कारोबार है, 500 झूठ बोलने पड़ते हैं, मजबूर है हम। लेकिन हम ये भी जानते हैं हमारे कर्म ऐसे नहीं कि इस मोटी से ठाणे के सामने खड़े हो पाए, मैं भी शामिल हूं। लेकिन ये इसकी कृपा है कि हम ढाणन जा रहे हैं, ये हमारे घर आ रही है, हम उत्सव मना रहे हैं और हम मजे की जिंदगी जी रहे हैं। कोरोना में सब कुछ देख लिया, और दादी जी के दरबार से ये संदेश मिला कि कोरोना के बाद जो सुधर गया वो संवर गया, जो नहीं सुधरा फिर उसे बचाने वाला कोई नहीं। मैंने आजमाया है, मेरी टीटा गेला मैया दो टाइम बहुत खुश होती है, पता है दो टाइम क्या, मैंने आजमाया है आपकी आप जानो। एक टाइम मैया बहुत खुश होती है,
कि जब माँ ने किसी भगत के सिर पर हाथ रख रखा है और सारी दुनिया उसे डुबाने में लग जाती है, माँ बड़ी हंसकर खुश होकर बोलती है, लगा लो दुनिया भर की ताकत, इसके सर पर मेरा हाथ है, इसका बाल बाकर दुनिया वाले नहीं कर पाएंगे। माँ बड़ी खुश होती है और माँ तब भी बड़ी खुश होती है, उस भगत के सिर से हाथ हटा लिया और दुनिया उसे बचाने में लग गई, तो माँ बोलती है इस पर से मेरी कृपा हट गई, इसे बचाने वाला भी कोई नहीं। अगर राम अपने हाथ से ही पत्थर को छोड़ देंगे तो उसे तो डूबना ही डूबना, भाई साहब उसे बचाने वाला कौन। और केवल नाम लिखा है दादी का दिल में, तो हमें मिटाने वाला कौन है, दुनिया में ताकत नहीं। सुनिए इस भजन को, क्या बात क्या बात। इतना दिया बोलिए ढांडण वाली मैया की, भैया मुकेश रिकॉर्ड रखिए ना। इतना दिया मेरी मैया ने, जितनी मेरी औकात नहीं, ये करम मेरी दादी का है, वरना मुझ में ऐसी कोई। भजन के भाव, मुझको क्यों औकात से ज्यादा हो, एक बार नहीं दो बार नहीं हजार बार, मुझको क्यों औकात से ज्यादा, बिन मांगे मिल जाए मेरी दादी जाने हो, मेरी दादी जाने, यही लाइन बोलना है, मेरी दादी जाने हो मेरी, किसने मेरी कुटिया में ये महलों के सुख बरसाए। पड़ोसी जान रहे हैं तो जानने दीजिए, दुनिया को ये बताइए ये जाने, मेरी दादी जाने जोरदार बोलना पड़ेगा, किसने मेरी कुटिया में ये महलों के सुख बरसाए, मेरी दादी जिनके भाव, ये एक बार हाथ उठाना कि मेरी दादी जाने, और तालियां बजा के बोलना, किसने मेरी कुटिया में देखो, किसने मेरी कुटिया में ये महलों के सुख बरसाए। और एक बार, मेरी दादी जाने मुझको क्यों औकात से ज्यादा, बिन मांगे मिल जाए, बोलिए ना, जाने हो मेरी दादी जाने। अब सुनिए, अपने अंदर के सारे मैं गुण अवगुण पहचानूं, अपने अंदर के मैं गुण अवगुण पहचानूं, हमसे बेटर हमको कौन जान सकता है, मेरी बेटर हाफ ही नहीं जानती मुझको मुझसे बेटर, तो दुनिया के लिए क्या कहें है? अपने अंदर के सारे मैं गुण अवगुण पहचानू, बोलिए, अपने मुझ में है कितनी कमियां ये अच्छी तरह से जानू, मुझ में है कितनी ये अच्छी, सोचिए और भजन के भाव सुनिए, इतनी कमियां मुझ में मैं जानता हूं, लेकिन उसके बाद भी इसकी कृपा देखो, अरे फिर कैसे परिवार मेरा इज्जत की रोटी खाए, बोलो बोलो, मेरी दादी जाने, हजारों खर्चे आ गए चाचा जी, कीर्तन कराना भी बहुत भारी काम हो गया, नवीन कितना लोगे, इतना लूंगा चाचा जी, मैं तो अपने ऊपर ही कहता हूँ कि इस दरबार में जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं, घर में भी तरह तरह के खर्चे हैं, बेटी की शादी बन गई, अपने से ऊपर वाले की तो हो गई हालत खराब, लड़की वालों की क्या करें, लेकिन दावे से कहता हूं इसका नाम लेकर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सुनिए भाव, सुनिए, तालियां बजा, आप धीरे तालियां जोड़, हाँ
ये घर गृहस्थ की चिंता, ये खर्चे भारी भारी, ये घर गृहस्थ की चिंता, ये खर्चे भारी भारी, न जानू किसने उठाई ये सारी जिम्मेदारी, न जानू किसने उठाई ये सारी जिम्मेवारी। दावे से कहता हूँ, काम बनने के बाद ऐसे दरबार में बैठकर सोचते होंगे, माँ कहाँ से आया कैसे आया हो, कहाँ से आया कैसे मेरी समझ ना आए। और एक बार मेरी दादी जाने, कर्म के फल। मैं अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा उदाहरण हूँ। मैंने अपनी समझ में जब से मैं संभाला है मैंने होश, जो भी मैंने सोचा है वो सब मेरी दादी ने पूरा किया है। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं थी, जो कुछ भी किया, जो कुछ भी दिया, सब दादी ने दिया। बोलो श्री ढांडन सत दादी की जय। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, कभी नहीं होती। अब आगे सुनिए, ये मन है ना भटक जाता है। कोरोना आया, मन भटका, लेकिन जिसने विश्वास रखा उसे दादी ने भटकने नहीं दिया। अरे मैं कलकत्ते रहता हूँ, कानपुर की तरह कलकत्ते में भी बड़े बड़े सेठ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। मेरी एक जान पहचान के बहुत बड़े सेठ जी और कलकत्ते के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के वो ट्रस्टी हैं, मेन ट्रस्टी चाचा जी। और दुख की बात यह है कि वो भगवान को नहीं के बराबर मानते हैं, उनकी बहू मानती है, उनके बेटे बोले मेरे लिए भगवान के लिए समय नहीं मेरे पास। उसके बेटे को कोरोना हुआ, सेकंड कोरोना की बात कर रहा हूं। जिस हॉस्पिटल में वो ट्रस्टी हैं, मेरे फ्लैट के ठीक सामने वाले फ्लैट में जिनको कोरोना हुआ उनको एडमिट करवाया गया 5 दिन पहले। उसको बेड मिल गया नॉर्मल रेट में, वो गया, ठीक भी होकर आ गया। लेकिन उस ट्रस्टी के बेटे को उसी हॉस्पिटल में जिसमें वो ट्रस्टी है, उसके बेटे के लिए बेड अवेलेबल नहीं मिला। क्या बोलेंगे आप? वहां जाकर परिस्थिति मैंने देखी, 10-10, 20-20 लाख रुपए लेकर लोग खड़े थे, हाथ जोड़ रहे थे, एडमिट कर लो, एडमिट कर लो। बोले भाई साहब दूसरी जगह ले जाइए, पैसे किसी काम नहीं आएंगे। पैसे आज हैं कल नहीं रहेंगे, परसों वापस आ सकते हैं अगर इंसान अपने हाथ में ताकत रखे, भरोसा रखे। लेकिन इज्जत लाज वो चली गई वो दोबारा। और इस दादी जी की कृपा सबसे बड़ी है कि अपने शरण में आने वाले की दादी पहले लाज बचाती है, दुनिया में साख बढ़ाती है, फिर वो अपने आप जो चाहे वो होता जाता है। ये ऐसी दयालु, सुनिए। लेकिन कर्मों के हिसाब तो भाई साहब राम को भी देने पड़े, कृष्ण को भी देने पड़े, हम तो चीज क्या है। तालियां बजाकर कहेंगे क्या? सुख दुख सबके जीवन में कभी आते हैं कभी जाते। बोलिए सुख दुख सबके, पर मेरे सिर पर जब भी गम के बादल मंडराते, पर मेरे सिर पर जब भी गम के बादल मंडराते, कोई न कोई लाल चुनरिया, कोई न कोई लाल चुनरिया सिर पे मेरे लहराए। ये लाइन पूरे हाथ उठाकर चुनरी लहराते हुए बोलो ना, कोई न कोई लाल चुनरिया सिर पे मेरे लहराए। क्या बात क्या बात। मेरी दादी जाने हो ढांढण वाली। और अंतिम लाइन कि जिस दिन से मैंने मेरी दादी से नाता जोड़ा, बस कर्म करूं मैं अपना, बाकी सब इस पे छोड़ा। हाँ, तालियां बजाओ।
जिस दिन से मैंने मेरी दादी से नाता जोड़ा, जिस दिन से मैंने मेरी दादी से नाता जोड़ा, बस कर्म करूं मैं अपना बाकी सब इस पे छोड़ा, बस कर्म करूं मैं अपना बाकी सब इस पे छोड़ा। तब से आज तक, और विश्वास है मैं कर्म सही रखूंगा तो आगे भी। कैसे मेरी चवन्नी सोनू, कैसे मेरी चवन्नी सोनू रुपये में चल जाए, बोलो बोलो बोलो, मेरी दादी जाने हो। अब एक बार मेरे कहने पर हाथ उठाओ, एक भी नीचे ना हो, टेढ़ा वाका नहीं, एकदम लंबे, एकदम लंबे, और तालियां बजाकर मिलकर कहना, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सिर पे, बोलो मेरे सिर पे धांधण वाली तू हमेशा मेरे साथ रहे, वाली तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, टीटा गैला तू हमेशा मेरे साथ रहे, टीटा गैला तू हमेशा मेरे साथ रहे। विश्वास है ना, दादी जी आती थी, दादी जी आती है, और दादी जी आती, तालियां बजा के, हाँ मेरी दादी जी आएगी, बोलो मेरी दादी जी आएगी, कब, जब कानपुर वाले ऐसे हाथों को उठाएंगे और तालियां बजाएंगे, मेरी दादी जी आएगी, मेरी दादी जी आएगी, देखेगी ये दुनिया सारी ढांढण वाली की दातारी, देखेगी ये दुनिया सारी ढांढण वाली की दाता, बोलो बोलो, एक देखेगी ये दुनिया सारी ढांढण वाली की दातारी, देखेगी मैया तो, हेलो 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 हेलो, हेलो 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 हेलो
हर हर हेलो 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 हाँ हाँ देखेगी ये दुनिया सारी हेलो हेलो बोलो देखेगी ये ढांढण वाली की दातारी मैया ना रुक पाएगी मेरी दादी जी चलो कोई नहीं वो लगता है मिक्सर में वो बैठ गया उसका एम्पलीफायर बैठ गया कंप्रेसर बैठ गया कंप्रेसर बैठ गया आओ जरा तालियां बजा के दादी जी को भोग भी लगा दे तालियां बजा कर गाए ओ थारो मनचायो में भोग लगावा थारो मनचायो में ओ थाने छप्पन भोग दादी जी जी मावा थाने छप्पन भोग दादी हे भोग लगाने आओ ना हेलो 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 थारो मचायो में भोग लगा थाने छप्पन भोग दादी जी जीवा ठीडा गेला मैया की हेलो सांचे दरबार की हेलो हेलो ये नौ वर्ष हेलो 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 चेक हेलो हेलो आप सभी स्वस्थ रहें व्यस्त रहें मस्त रहें दादी की कृपा बनी रहे